दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कार्गो शिप को समुद्र में चलने के लिए बनाया गया था, लेकिन वही शिप कुछ शॉर्टकट मारने के लिए किसी पहाड़ पर चढ़कर जाए या फिर उसे समुद्र के किसी दूसरे साइड में लैंड कराया जाए? ये आपको सुनने में थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन असल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पनामा नहर के बारे में, जिसे इंजीनियर द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है और रोजाना हजारों जहाज इसी नहर से गुजरकर अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। लेकिन मजे की बात ये मानी जाती है कि हर एक सिख पनामा नहर से गुजरने के लिए लगभग $4 लाख से भी अधिक टूल टैक्स पनामियन गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार है, क्योंकि यही वो पनामा नहर है जिसके द्वारा 1 लाख टन से भी अधिक वजनी कार्गो शिप को पहाड़ पर चढ़ाया जाता है और बिना किसी नुकसान के सुरक्षित समुद्र में दूसरी ओर लैंड करा दिया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिरकार पनामा नहर काम कैसे करता और इसको क्यों बनाया गया है। लेकिन वो जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लगभग आज के करीबन 160 साल पहले अगर चाइना से किसी शिप को यूरोप जाना पड़ता था, तो साउथ चाइना से गुजरते हुए वेज ऑफ बंगाल को क्रॉस करते हुए इंडियन ओशियन को बाईपास करते हुए यूरोप जाना पड़ता था। और इसी के साथ ही इतने लंबे सफर की दूरी 24,000 किलोमीटर थी, जिसमें वक्त भी ज्यादा लगता था और जाहिर सी बात है पैसा भी ज्यादा खर्च होएगा। लेकिन इसके बावजूद एक दूसरा भी ऑप्शन था, वो रास्ता ईस्ट चाइना से गुजरते हुए रशिया को बाईपास करते हुए ईस्टर्न सी तक पहुंचना था। अगर हम इस रास्ते का कंपैरिजन करें तो लगभग इसकी दूरी 11,000 किलोमीटर तक छोटी पड़ती है, लेकिन इतनी दूरी कम होने के बावजूद भी यहां से गुजरने वाली शिप इस रास्ते को इग्नोर करती थी। दरअसल इस रास्ते में काफी सारे दिक्कतें भी थी और साल के कई महीनों तक तो रास्ते में बर्फ जमी होती थी, और यहां से गुजरने वाली शिप को काफी सारी समस्या को सामना करना पड़ता था। और इन्हीं समस्या को देखते हुए यहां से गुजरने वाली शिप इस रास्ते को इग्नोर करती है। लेकिन इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए और साथ ही समुद्र के रास्ते को शॉर्टकट बनाने के लिए यहां की गवर्नमेंट ने एक सलूशन निकाला था, और इसके बाद ही 1867 में एक नहर बनाई गई जिसका नाम स्विच कैनाल का नाम दिया गया। और 150 किलोमीटर लंबी इस नहर ने अरेबियन सी को बहुत आसानी तरीके से मेडिटेरियन सी के साथ आपस में जोड़ दिया था। और इसी के साथ ही पहले जो सफर अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से गुजरकर 24,000 किलोमीटर में पूरा किया जाता था, लेकिन अब वही सफर स्विच कैनाल के जरिए 13,000 किलोमीटर में पूरा कर लिया जाता है। और इसी के साथ ही स्विच कैनाल की कामयाबी को देखते हुए अमेरिका की सरकार को भी अपने यहाँ पर एक कैनाल की कमी महसूस होने लगी, और इसके बाद अमेरिका सरकार ने एक डिसीजन लिया, क्योंकि फिर चाहे ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका जाना हो या फिर वेस्ट अमेरिका से यूरोप जाना पड़े, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली सभी कार्गो शिप को साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट से घूमकर जाना पड़ता था। दरअसल इतने लंबे सफर को तय करने के लिए समय भी ज्यादा लगता था और साथ ही पैसे भी ज्यादा खर्च होते थे, इसीलिए अमेरिका सरकार ने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को लैंड से कनेक्शन जोड़ने के लिए पनामा में एक नहर बनाने का डिसीजन लिया गया, और जिसको आजकल पूरी दुनिया पनामा कैनाल के नाम से जानती है। लेकिन इसी के साथ ही ये बात किसी को नहीं मालूम थी कि स्विच कैनाल की तरह पनामा नहर से जहाज को गुजारने में कितनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि स्विच कैनाल को बहुत आसान तरीके से बना लिया गया था। स्विच कैनाल को जिस रास्ते पर बनाया गया था, वहां की जमीन समुद्र की ऊंचाई से थोड़ी ही ऊंची थी, और जिसकी वजह से वहां की मिट्टी भी ठोस नहीं थी और उसको बड़ी आसानी से खोद लिया गया था। लेकिन इसी के साथ ही पनामा कैनाल को जिस जगह पर बनाया जाना था, उस जगह पर मिट्टी मौजूद ही नहीं थी, क्योंकि पनामा नहर को पहाड़ पर बनाया जाना था और पहाड़ पर बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे जिनको काटना काफी मुश्किल हो रहा था। इसी के साथ ही यहाँ मौजूद पत्थर काफी पुराने हो चुके थे, जिसकी वजह से इनकी खुदाई जल्दी नहीं की जा रही थी। और इस जगह पर नहर बनाने के लिए इस जगह को समुद्र के लेवल से मिलाना था, और इसका लेवल मिलाने के लिए मतलब था कि इस पहाड़ को 500 मीटर गहरा खोदा जाए, और जिसको खोदने में काफी कठिनाई हो रही थी। इसी के साथ ही साल 1870 में फ्रांस की कंपनी ने इस मुश्किल चैलेंज को अपने सिर ले लिया था, और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया था जिसमें कहा गया था कि इस पहाड़ को खुदाने की जिम्मेदारी इस कंपनी की है। और इसके बाद इस कंपनी ने यहाँ पर काफी सारे लेबर और इंजीनियर के मदद से इस पहाड़ को खुदाने का काम शुरू किया था। और इसी के साथ ही यहाँ काम करने वाले लेबर और इंजीनियर को मौसम करके काफी दिक्कत हो रही थी, और साथ ही जंगल में मौजूद जानवर और खतरनाक कीड़ों से भी खतरा था। अभी गड्ढा खोदते हुए कुछ साल ही बीते थे कि जंगल में मौजूद मच्छरों ने वहाँ काम करने वाले लेबर को काट लिया था, और एक एक करके लेबर की मौत होने लगी थी। और मामला इस हद तक पहुंच गया था कि कुछ ही महीनों में 5,600 लेबर की मौत हो गई थी। वर्कर के साथ हुई इन घटना को देखकर साल 1984 में फ्रांस की कंपनी बैंक करप्ट हो गई, और साथ ही इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर दबे पांव वापस भाग गई थी। और इसी के कुछ सालों बाद ही कुछ अमेरिकन पनामा कैनाल की जगह पर पहुंचे वहां के कंडीशन को देखते हुए, और उन्होंने इस कैनाल को फिर से बनाने का काम शुरू किया। लेकिन अमेरिकन जान चुके थे कि इस पहाड़ को खोदना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने एक दूसरा सलूशन निकाला था। इसके बाद इंजीनियर ने पहाड़ और समुद्र के लेवल के फर्क को दूर करने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक बनाया गया, और इस लेक को आजकल पूरी दुनिया गटून लेक के नाम से भी जानती है। इसके बाद ही उस आर्टिफिशियल लेक के एक साइड में कैनाल खोदी गई जिसको अंटार्कटिका की ओशियन तक ले जाया गया, और दूसरी तरफ एक लेक खोदकर उसको पैसिफिक के ओशियन से मिलाया गया था। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी थी, क्योंकि इस आर्टिफिशियल लेक को पहाड़ों के बीच में पानी जमा करके बनाया गया था, क्योंकि इस आर्टिफिशियल लेक के पानी का लेवल समुद्र के पानी के लेवल से 85 फीट ऊपर था, और इसका मतलब ये था कि अंटार्कटिका के ओशियन से पैसिफिक ओशियन तक शिप ले जाने के लिए समुद्र के पानी के लेवल को 1 फीट तक ऊपर उठाया जाए। और इस काम को करने के लिए लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता जिसको वाटर लॉक या स्टेयर भी कहते
रहते हैं जब शिप पहले लॉक के करीब पहुंच जाती है तो उसके अंदर के पानी को सी लेवल से मैच करने के लिए पानी को ड्रेन किया जाता है, और जब इसका लेवल समुद्र के लेवल से मिल जाता है तो उसके पिछले वाले गेट को खोलकर शिप को अंदर कर दिया जाता है, और इस काम को अंजाम देने के लिए शिप ट्रक या शिप ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इस शिप को पानी की मदद से ऊपर उठाया जाता है और शिप बड़ी आसानी से दूसरे लेवल पर चली जाती है। इसके बाद लेवल 2 के गेट को बंद कर दिया जाता है और लेवल 3 के गेट को खोलकर उसके पानी के लेवल को लेक के लेवल से मिलाया जाता है। इसके बाद शिप लेक में चलने के लिए तैयार हो जाती है। एक बार फिर से इन्हीं गेट का सिलसिला शुरू होता है और 30 किलोमीटर लंबी इस लेक को बड़ी आसानी से पार कराकर दूसरी तरफ पीएसपी गोसियन में लैंड कराया जाता है। और इसी के साथ ही पनामा कैनाल को इंजीनियर द्वारा बनाई गई आज तक की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है।